सुभान अल्लाह सुभान। Assalamualaikum everyone, this is your boy Mansoor from Pakistan and you're watching me on Facebook and YouTube. कैसे हैं आप लोग सभी? ठीक हैं? आज जो है रमज़ान का तीसरा रोज़ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत लाइक बहुत अच्छा जा रहा है। कल जो है इस्लामाबाद में जो है बारिश हो गई थी और बहुत अच्छा जो है आज का जो है दिन हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गर्मी जो है अब आ रही है, लेकिन जो है उस हिसाब से नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी बारिशें होती रहेंगी। अच्छा, आज जो कलाम है ना, लाइक जो सलाम है वो ना लाइक मेरे दिल के बड़े करीब है, और बचपन से ना हम लोग इसको जो है मस्जिदों में पढ़ते आ रहे हैं, और अभी मैं बैठा सुन रहा था इसको पहले से। ये है आतिफ असलम ने जो है इसको प्रेजेंट किया, और मैं सुन रहा था ना तो मुझे जो है अपना बचपना याद आ रहा था, फिर मुझे ना रोना भी आ रहा था उसके ऊपर कि मस्जिद में ना हम ऊंची ऊंची आवाज़ भी पढ़ा करते थे मुस्तफ़ा जान रहमत, लाइक जुम्मे की नमाज के बिल्कुल एंड के अंदर। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं साथ में, आप लोग भी इसको जो है अच्छा फील करेंगे और मैं ऑलरेडी अच्छा फील कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह। सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, उसकी बातों सुभान अल्लाह इज्जत पे लाखों दुरूद, उसकी बातों लाखों दरूद, उसके खुतबे आए अल्लाह अल्लाह अकबर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम लाखों सलाम। सुभान अल्लाह Seriously, सुभान अल्लाह। अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, उसकी काहे रियासत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मेरे चरखे सुभान अल्लाह नबूवत पे रोशन दरूद, मेरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद,
रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान जज़ाकअल्लाह सीरियसली जज़ाकअल्लाह लाइक तमाम तमाम भाइयों ने 5 पर्सन थे इसमें आतिफ असलम को जो है इंक्लूड करके बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत ये वैसे ही सलाम जो है ना लाइक दिल के बहुत करीब है और बचपन से ना हम लोग इसको जो है प्रेजेंट करते आ रहे हैं मस्जिदों में पढ़ते आ रहे हैं वैसे जो है महफिल नात पे पढ़ते आ रहे हैं तो इस जो है ना कलाम के साथ जो एक वो क्या कहते हैं उसको जो लगाव है ना वो अल्फाज में नहीं आप जो है उसको जो है डिफाइन कर सकते क्योंकि मेरी ना इस कलाम के साथ यादें मेरे जो है चाइल्डहुड से इस तरह है कि हमारी ना मस्जिद के अंदर जो है हुआ करते थे कारी साहब हुआ करते थे अल्लाह ताला जो है अगर वो जिंदा है तो उनको सेहत अता फरमाए और अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत अता फरमाए तो वो ना बहुत अच्छे लाइक नाबीना थे लेकिन मैं कहता हूँ मैंने जो स्किल्स देखे ना उनके कि लाइक कुरान पाक पढ़ाते हुए ना 3 बच्चे इधर 3 बच्चे इधर और जो जहाँ से भूलता था ना उसको वहीं से जो है वो करते थे कैप्चर करते थे कि यहाँ से जो है तुमने ये वर्ड ठीक नहीं पढ़ा तो उनका ना हाफ्सा जो था और जो हिफ्स करने का वो था ना बहुत अच्छा और अटेंशन वो तो वो पढ़ा करते थे तो मुझे ना जब लाइक अभी सुबह मॉर्निंग के अंदर जो है लाइक फजर के टाइम पे तो ये ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था और अपनी मैं वालदा को कह रहा था मैं कह रहा था यार मुझे ना बड़ी याद आ रही है अपनी मस्जिद की पुरानी मस्जिद की क्योंकि मैं वहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ मुझे लाइक 12 ईयर्स हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मैंने कहा मुझे बड़ी ना याद आ रही है और मुझे उन कारी साहब की बड़ी याद आ रही है हम लोग कितने उससे जो है बैठा करते थे जुम्मे की नमाज के बाद कि जुम्मे की नमाज हो जानी है उसके बाद बैठे हुए हैं एंड में जो है लाइक पूरी नमाज पढ़ने के बाद एंड में ना सलाम हुआ करता था उस मस्जिद में तो वह एंड में यही पढ़ा करते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत तो ये ना इस तरह जो है इसलिए जो है हमारे दिलों के साथ जो है ना बड़ा हुआ है क्योंकि मेरी पूरी बचपन की यादें इस कलाम के साथ जो है लग के ना हमारी मस्जिदों में गुजरी हैं और अल्लाह जो है उन तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए जिनका जो है लाइक इंक्लूड उन सबको मैं करता हूँ जिनकी जो है ना बड़ी हमारे साथ जो है कोशिशें रही कि हम लोग खेला कूदा करते थे और हम लोगों को पकड़ के जो है वो मस्जिद लेके जाया करते थे उस टाइम का ना एक मंजर था और एक वो बहुत खूबसूरत कि अगर किसी बड़े ने हमें वो कह दिया ना कि मस्जिद जाना है तो हमने अपनी गेम्स जो है वो ख़त्म करनी है हमारे टाइम पे जो है एक इरफान भाई था अल्लाह उनको सेहत दे मेरे जो है बड़ा अच्छा दोस्त है उसके वालिद हैं तो वो ना हमें एक जो है लाइक कुंबे की तरह लेके जाया करते थे हमारे ना सारे के सारे जो है खेल ईच एंड एवरीथिंग हमारा बंद करना और हमें साथ लेके जाना उन्होंने मस्जिद फिर हमने तरावियां पढ़नी तो हमें आगे खड़े करके तरावियां पढ़ानी पीछे उन्होंने खुद खड़े होना क्योंकि 8 तरावियां वो वैसे ही दिमाग में था कि 8 तरावियां पढ़ के हम गायब हो सकते हैं तो वो वाला जो है हिसाब होता था तो बड़ा ना इस कलाम के साथ जो है बहुत और बात वही है कि जिस शख्सियत के लिए जो है कलाम जो है ना सलाम कर लो कलाम बहुत खूबसूरत यार बहुत खूबसूरत मुझे ना पूरा बचपन अपना रिकॉल हो गया इसको सुन के थैंक यू सो मच अगेन आतिफ असलम के इस तरह के अच्छे अच्छे कलाम आपके पढ़े हुए हैं आपने हम पढ़ी हुई है अली जफर लाइक आप लोगों ने सिर्फ गाने नहीं गाए हुए लाइक मोस्ट फेमस सिंगर्स ने जो है बहुत अच्छी अच्छी नाते जो जो मुस्लिम सिंगर्स उन्होंने गाए हुई है तो अब उनका जो है लुत्फ जो है आ रहा है मजा आ रहा है सुन के उनको और उनको जो है ना देख के रमजान मुबारक के अंदर एंड आई गेस जो है मैंने जो है ये रिएक्शन चैनल जो है अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक चीज के लिए बनाया था लाइक अब मैं बिल्कुल अपनी ठीक जगह पे आ गया हूँ मुझे वाकई अच्छा लग रहा है कि मैं जो है बिन्हीं को कंटिन्यू करूँ बेशक रमजान हो कुछ हो लेकिन कलाम हो गए और सुफियाना कलाम हो गए नाते होंगी बस इन्हीं को कवर करता रहूँ लाइक एक सुकून है यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे
ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वही वाली बात है कि जो है फीडबैक दिया मेरे, अभी तक दो मैंने जो है 2 रोज़ों के ऊपर दो जो मैंने जो है वो किए कवर किए, एक जो था वो मेराज आला बला गल्लू लाबे कमाली और दूसरा जो है कल आतिफ असलम का अल्लाहू, ये दोनों। और आज जो है फिर आतिफ असलम साहब की बारी आ गई, तो आतिफ असलम सर का जो है मैंने ये जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत और इनके साथ कोलैब में जो 5 4 सिंगर्स हैं इनका, तो बहुत ही अच्छा ये रह गया। अब आगे जो है इंशाल्लाह कल जो है आई गेस अली जफर का ले लेंगे, नहीं तो मेरा तो दिल है आतिफ असलम का ही लूँ, ताजदारे हरम वो नहीं था मैं तो मदीने चले, वो ताजदारे हरम ले लेते हैं, वो बहुत अच्छे, लाइक वो भी कलाम बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना लेकिन रमजान में हर चीज रिन्यू हो जाती है, ये चीज बहुत अच्छी है। ओके, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपने इर्द गिर्द जो है मैंने आप लोगों को हर उसके बीच में जो है लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप लोग बोर हो गए होंगे चीज़ सुन सुन के, लेकिन अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अफ्तारियाँ बांटें, लोगों के पास सीरियसली पैसे नहीं है राइट नाउ, अगर आप लोगों के पास है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनके, क्योंकि बेरोजगारी हमारे मुल्क में बहुत बढ़ती जा रही है, और अल्लाह ताला ना इस मुल्क को जो है किसी अच्छे रास्ते के ऊपर चलाए, नेक हमें नेक हुक्मरान, पहले अवाम को नेक होना पड़ेगा फिर उनको नेक हुक्मरान मिलेंगे, अदल होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जो है वो करें ख्याल रखें, उनको जो है ज़कात सदका जो आप लोगों ने फितराना देना, सबसे पहले अपने घरों में देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें, लाजमी नहीं है कि आप उनको जो है जाके ये जो है बताएं कि और जो है दिखाने की कोशिश करें कि हम आपको फितना दे रहे हैं, उनको वैसे उनकी मदद कर दें, माली मदद कर दें, अपने उसमें नीयत वही रखें लेकिन उनकी माली मदद करें ताकि उनका भी घर चले, उनका भी सिस्टम, आपके इर्द गिर्द पड़ोसी हैं उनका जो है, क्योंकि पड़ोसियों का हक बहुत है, अगर आप पड़ोसी आपसे नाराज हैं तो सब कुछ नाराज है, अल्लाह ताला भी आपसे, इसलिए अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, गरीब लोग हैं उनको ज़कात सदका दें, फितराना दें, काइंडली लोगों की हेल्प करें, मैं भी मेरे से भी जितना हो रहा है, लाइक मैं अपने जो है साइड बिजनेस से जितना कमाता हूँ मैं उससे जो हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों से भी अपील है कि काइंडली लोगों की रमजान में हेल्प करें, 1 रुपया देंगे गारंटी देता हूँ 1000 रुपीज अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो है डिपॉजिट में मिल जाएंगे, और अगर पैसे नहीं भी मिलते आखिरत मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो काइंडली एक दूसरे के जो है ना क्या नाम है ज़कात सदका फितराना ईच एंड एवरीथिंग, लोगों को अफ्तारियाँ कराएं जो लाइक जिनका आपको पता है कि इनके घरों में जो है नहीं हो रही, उनको अपने घर बुला लें, या अपने घर से अफ्तारी जो है ना उनके लिए, दो बंदे हैं तीन हैं बच्चे हैं उनके, उनको थोड़ी सी अफ्तारी बना के दें ताकि उनका आपका रिस्क कम नहीं होगा, अल्लाह ताला रिस्क कभी कम नहीं करता इंसान का, बांटने से रिस्क कम नहीं करता, और अल्लाह ताला को नापसंद लोग हैं जो पैसा जो है जमा करके उनको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया, तो उसका जो है काइंडली सदका ज़कात दें, और अपने इनके जो छोटे जो है ये बिल्लियाँ हो गई कुत्ते हो गए इनको भी खाना डालें, मेरे पास वो बिल्लियाँ बहुत है मैं इसलिए उनका ख्याल रखता हूँ, ये ना रहमतों का जो है महीना, इसके अंदर जितना आप करेंगे अल्लाह ताला आपको ना मल्टीप्लाई करता जाएगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता जाए, हाँ लेकिन अगर आप जो है कुछ बुरा करेंगे तो एवरीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बस अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना प्यार दे रहे हैं और डे बाय डे जो है हम लोग जो है ग्रो कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और रोजे सारे के सारे रखें, अगर बीमार हैं तो वही वाली बात है कि किसी गरीब को जो रोजा छूट रहा है उसका खाना खिला दें जो इस्तेमाल नहीं रखता, लेकिन रोजे रखें काइंडली या बाद में रख लें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखें, आज रमजान का तीसरा रोजा था और हमारा तीसरा जो है रिव्यू था रमजान का और वो बहुत अच्छा गया, मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।